हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ मायके। मायके आते ही मेरे को सबसे पहले मन हो रहा है अपने पापा के हाथ का कुछ खाने का, तो यहाँ पे पापा बना रहे वो चीज़ मेरे लिए। तो यहाँ पे हमने बेसन डाला है परात में, साथ में लहसुन अदरक और धनिया, ये सारा जीरा वगैरह पेस्ट बना दिया है इसका, और इस तरह से ये भी डाल रहे हैं हम इसमें। साथ में आपको मैं बता देती हूँ कि मेरा क्या खाने का मन हो रहा है, तो वो है ये। तो ये है अरबी के पत्ते और हम बना रहे पत्रोड़ो, इसको पत्रोड़ो भी बोलते हैं, पतीड़ भी बोलते हैं, और जगह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आप लोगों के वहाँ इसे क्या बोलते हैं। क्रीम लगा रहे हैं अब इसको। तो यहाँ पे देखिए ये पतीड़ा हमारा बन चुका है। पतीड़ा इस तरह से फोल्ड करके ना इसका ऐसा रोल बन जाता है, तो फिर इसको हम स्टीमर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे हमने जो पतीड़ थे वो हमारे बन गए। अब हम इसको लगा देंगे स्टीमर पे, तो 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही स्टीमर में पकने देंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे जो पतीड़े वो पक चुके अच्छे से। हम ना इसको विदाउट ऑयल के भी खा सकते हैं, मतलब आपको ठंडा होने के बाद इसे काटना है, और आप बिना यूज़ तेल के भी इसको खा सकते हैं, बट मैं थोड़ा इसको सब्ज़ी टाइप में बना दूँगी। तो यहाँ पे पतीर जो है मैंने सब्ज़ी की तरह ब्रिक ब्रिक काट दिए थे, और उसके बाद नॉर्मली जैसे हम सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं वही है प्रोसेस रहती है। लहसुन प्याज और मिर्च थोड़ा जीरा वो मैंने इसमें डाल दिया था वो, और इसके बाद जो है जो बारीक मैंने पतीर काटा था वो इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारे पतीर की सब्ज़ी तैयार थी। आपको मेरा आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।